नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप 2023 के 21st कंपटीशन में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी थी। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड 50 ओवर्स में 273 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और विराट कोहली के बल्ले से सबसे ज्यादा रन निकले, लेकिन वह सेंचुरी से चूक गए। विराट कोहली की 95 रन्स की इनिंग्स देख सोशल मीडिया पर फैंस लगातार प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं। इस इनिंग में विराट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। इससे पहले भी कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी जमाया था। भारत की यह वर्ल्ड कप में लगातार 5वीं जीत है और टीम पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है। भारत के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इस दौरान कीवी टीम ने 50 ओवर्स के खेल में 10 विकेट के नुकसान पर 273 रन्स बनाए। इस दौरान टीम के लिए सबसे ज्यादा रन जड़ने वाले बल्लेबाज डेरिल मिशेल रहे। मिशेल ने अपनी इनिंग में 127 रन्स का सामना करते हुए 130 रन्स बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल हैं, जबकि दूसरे सबसे ज्यादा रन जड़ने वाले बल्लेबाज रचिन रविंद्र रहे। रविंद्र ने 87 बॉल्स में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 75 रन्स की इनिंग्स खेली। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से बेहद शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। इस दौरान टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी रहे। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि कुलदीप यादव ने 2 और सिराज बुमराह ने 1 विकेट लिए। क्या लगता है आगे के मैच में भी टीम इंडिया ऐसे ही अपनी जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।